और बच्चों कैसे हो? ठीक हो? चलो, थैंक यू फॉर ऑल द लव ऑल द टाइम, थैंक्स अ लॉट। आज इस वीडियो में हम दो तीन इम्पॉर्टेंट इश्यूज के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में मुझे क्वेरीज आई हैं। एक तो डेट शीट के इश्यूज हैं, एक जो एग्ज़ाम गोइंग स्टूडेंट्स को कुछ इश्यूज हैं, एक जो कभी कभी मूड अच्छा ना होने पर क्या गड़बड़ हो जाती है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हाउ टू से नो। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले शुरू करते हैं डेट शीट इश्यूज पे। अब जैसे कि आजकल सीजन ही है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये सब एग्ज़ाम गोइंग सीजन रहता है, तो हर एक क्लास के एग्ज़ाम्स हैं, जैसे 12th के हैं, 11th के हैं, 10th 9th के हैं, और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स भी हैं। तो इसमें कभी कभी फ़ोन पे मेरी स्टूडेंट्स के साथ बात होती है या फेस टू फेस, तो उनको डेट शीट के इश्यूज रहते हैं। जैसे अभी रिसेंटली मैं किसी से बात कर रहा था, तो उसने कहा कि सर वो ये एग्ज़ाम दिया और 2 दिन बाद ये एग्ज़ाम रख दिया, 3 दिन बाद वो एग्ज़ाम रख दिया, अभी कैसे होगा। अब उसको तो मैंने यही रिप्लाई किया जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी मेंटली पॉजिटिवली प्रिपेयर्ड अबाउट द थिंग्स। अगर मान लो अभी ये वीडियो आप देख रहे हैं और सडनली आपके फ़ोन पे मैसेज फ्लैश होता है कि कल आपका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है, स्टिल यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। आपको ये वीडियो बंद करके एकदम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू कर लेनी चाहिए। यू हैव टू ब्रिंग दोज थिंग्स ऑन प्रायोरिटी एंड पॉजिटिवली बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट एंड यू मस्ट डू इट एंड यू विल डू इट। ये 3 वर्ड्स जो हैं, 3 फ्रेज मैंने बोले, इनको रिवाइंड करके एक बार दोबारा से सुन लेना, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। तो ना सिर्फ एग्ज़ाम्स के बारे में, लेकिन मैं कहूँगा कि आगे आप लोग बड़े प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाएंगे, उसके बाद और इन द लार्जर फील्ड्स ऑफ लाइफ, कॉर्पोरेट लाइफ एंड ऑल, और वैसे भी इन द सोसाइटी, तो इट इज़ बेटर टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द थिंग्स जिनके बारे में जनरली लोग ऐसे शिकायत वगैरह करते रहते हैं। और अगर आप ऐसा शिकायत नहीं करें और उसके साथ यूज टू हो जाएं, उस चीज़ के साथ ब्लेंड हो जाएं, जेल हो जाएं, तो देन इट हेल्प्स ए लॉट। इट ब्रिंग्स आउट ए, मैं फिर से वही यूज करूंगा, इट ब्रिंग्स आउट ए वेरी स्ट्रॉन्गर, ए वेरी नोवेल वर्जन ऑफ यू, दैट इज़ वेलकम। तो इसलिए जो भी कोई डेट शीट हो, किसी एग्ज़ाम में 4 छुट्टियाँ, किसी एग्ज़ाम में 1 छुट्टी है, किसी एग्ज़ाम में 8 छुट्टियाँ हैं, कोई बात नहीं। जिसमें 4 छुट्टियाँ वो 4 दिन में पढ़ेंगे, जिसमें 1 छुट्टी वो 1 दिन में पढ़ेंगे, जिसमें 7 छुट्टियाँ वो थोड़ा धीरे धीरे करके 7 दिन में पढ़ेंगे, है ना। तो अगर किसी चीज़ को नहीं बदला जा सकता, तो जितनी जल्दी हम उसको अडेप्ट कर लें, उतना वो हमारे लिए बेटर है। क्योंकि जितनी जल्दी अडेप्ट करेंगे, वो हमारा सारा फ्रेम ऑफ माइंड, बॉडी माइंड सोल, सब एक ही डायरेक्शन में उसके लिए काम करना शुरू करेगा। और जब ये पॉसिबल होगा लाइफ में, फिर तो कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप अचीव नहीं कर सकते हैं। अपनी स्टेट ऑफ माइंड तो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। दूसरी बात जो मुझे करने को कहा गया, ऐसे 2-3 लोगों से रिसेंटली मेरी इस बारे में बात हुई, कई बार मैं पूछता हूँ क्लास के बाद कि हाँ बेटा टेस्ट कैसा हुआ, तो नहीं सर वो पढ़ ही नहीं पाए। क्यों नहीं पढ़ पाए? एग्ज़ाम था कोई, या बीमार हो गए, या घर पे गेस्ट रहे थे, क्या बात होगी? नहीं सर बस ऐसे ही ना मूड नहीं बना पढ़ने का। मूड का क्यों मूड नहीं बना, क्या हो गया? वो कुछ कभी मन में कोई बात होती है, इट कैन बी एनीथिंग, है ना, दैट कैन लीड टू कि आपका मूड नहीं बन रहा पढ़ने के लिए। अब इस चीज़ को भी ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, इट इज़ फॉर ए लार्जर स्फीयर ऑफ लाइफ। कि अगर कोई कुछ आपको करना है या आप करना चाहते हैं और अंदर से आपको बहुत डिज़ायर भी है उसको करने की, एंड आप फुली मोटिवेटेड है, और एकदम एन मौके पे आ गए उन लास्ट 2-3 डेज में, बाई चांस अगर मान लो मूड उस तरीके से नहीं सॉर्ट आउट हुआ, तो फिर कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि वो चीज़ उस तरह से नहीं होती है, उसका उसकी प्रिपरेशन और उसकी जो एग्जीक्यूशन है उसमें दिक्कत आ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मूड की वजह से उसमें दिक्कत आएगी, तो फिर जो उसका आउटकम होगा उस पर भी उसका फ़र्क पड़ेगा। और जब आप उस प्रोसेस से निकल रहे हैं, तो उस समय आपको उसका गिल्ट भी रहेगा कि आई कुड हैव डन इट बेटर। तो ये जो आई कुड हैव डन इट बेटर है, इसमें से भी मेरी पक्की सजेशन है, बाहर निकल जाना चाहिए। तो एकदम कंसोलिडेटेड, बार बार ये वर्ड मैं यूज़ करता हूँ, अप्रोच होनी बहुत ज़रूरी है। एक क्रिस्टल क्लियर माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए ज़रूरी है कि आपका मूड छोटी छोटी बातों से अफेक्ट ना। तो आज के इस वीडियो में जो एक और बात निकल के सामने आ रही है गोल्डन लाइन की तरह, कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ मैंडेटरी कि आपका मूड छोटी छोटी बातों से अफेक्ट ना। कुछ है, कुछ हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी में एग्ज़ाम में कुछ मार्क्स कम आ गए, कुछ और बात हो गई, कुछ भी है, ठीक है, 2-4 मिनट के लिए इसके बारे में सोचा, लेट इट गो। उसके बाद फिर देखो नेक्स्ट आवर, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टाइम आपको
क्या करना जरूरी है एंड गो थ्रू द प्रोसेस एंड मेक इट हैपन. तो दैट विल हेल्प सॉर्ट आउट द थिंग्स जिनकी वजह से आपका मूड खराब हो भी रहा था. तो इसलिए मूड को जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एक ओपन तरीके से बिल्कुल उन चीज़ों को विन करना चाहते हैं और उनमें बहुत बढ़िया करना चाहते हैं और जो भी अपने ड्रीम्स और गोल्स वगैरह उनकी तरफ एक बहुत ही रैशनल अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं. तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मैंडेटरी टू विन ओवर द मूड सिचुएशंस. कि कभी कभी मूड खराब होने से पढ़ाई या कुछ और परफॉर्मेंस किसी किस्म की खराब हो, बिल्कुल भी नहीं. आज के बाद मेरी बात माननी है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना. ठीक है, चलो अब एक और जो बात हम डिस्कस करने वाले हैं इसके, कि ये हाउ टू से नो वाली बात क्या है. अब आप हैरान हो जाओगे कि सर ये वाला टॉपिक क्यों उठा रहे हैं. अब ये टॉपिक मैं अपने क्लासरूम के कॉन्टेक्स्ट में ही उठा रहा हूँ. एक दिन ऐसे मैं बच्चों को पढ़ाते हुए बीच में कुछ समझाना शुरू हो गया, तो फिर मुझे लगा कि ये बात समझाई गई है तो लेट अस हैव इट विद एवरीवन, कि ये सबके लिए यूजफुल बात है, सबके लिए इम्पॉर्टेंट बात है, तो मुझे इसको सभी के साथ शेयर करना चाहिए. तो बात ऐसे शुरू है कि मैं ये कह रहा था कि जब हम जैसे 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 हमारी एज ज़्यादा होती है, हम हायर क्लासेस में जाते हैं, हम और एक्सपोजर होते हैं टू डिफरेंट क्लासरूम, डिफरेंट टीचर्स, डिफरेंट क्लासमेट्स वगैरह सबके साथ, तो एक एनालिटिकल एबिलिटीज जो है वो एनहेंस होती जा रही है एंड देर इज़ ए लार्जर एक्सपोजर टू द एनालिटिकल सिचुएशंस. अब वो एनालिटिकल सिचुएशंस को लार्जर एक्सपोजर से क्या होता है कि हमारा एनालिटिकल एक्सपीरियंस बढ़ता है. हमारा एनालिटिकल एक्सपीरियंस बढ़ता है तो उसके साथ साथ जो पॉजिटिव चीज़ें तो होती हैं, लेकिन कभी कभी मैं देखता हूँ कुछ स्टूडेंट्स के साथ कि एक और भी बात होती है कि बाई चांस मान लो कोई टॉपिक नहीं स्टडी किया है या किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है या कुछ अभी उस हद तक नहीं डेप्थ में स्टडी किया गया, फिर भी अगर उसके क्वेश्चन पूछा जाए तो इट बिकम्स ए हैबिट कि उसका आंसर देना ही देना है, बेशक वो आता हो या ना आता हो. अब यहाँ पे मुझे कभी कभी लगता है कि ये गलती कई लोग हो सकता कर रहे हैं कि हर समय किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना, किसी भी सिचुएशन से जो आउटकम निकलने वाला है उसका जो रिजल्ट है उसके बारे में अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश करना, ये कभी कभी एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच के साथ लिया जाना चाहिए. हर समय एकदम से उसका आंसर देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. अब इससे क्या नुकसान हो सकता है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ. आप एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें चार उसकी ऑप्शन हैं और आपको उस टॉपिक के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है. कभी कभी ऐसा हो जाता है, कुछ आउट ऑफ द कंटेक्स्ट, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन उसको कहते हैं, ऐसा कुछ आ गया या अभी आपने कोई टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, स्टडी नहीं किया है, या मेन चैप्टर में से उस टॉपिक से थोड़ा सा अभी रहता है आपका काम करने वाला और वो क्वेश्चन और उसकी सिचुएशन और चारों ऑप्शन उससे रिलेटेड है, तो डेफिनेटली वो डिमांड करेगा कि वो जो सब्जेक्ट के प्रिंसिपल्स हैं उससे रिलेटेड उसके बेस पे उसको सॉर्ट आउट किया जाए, या अगर आपने पहला उसका ऐसा कुछ किया हुआ है तो उसके बेस पे कुछ किया जाए. आपका अपना एनालिटिकल नॉलेज का एक्सपीरियंस जो है वो काउंट करेगा, लेकिन अगर उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है तो फिर भी ऐसे अंदाजा सा लगा के कि इसका आंसर बी होगा, मुझे ऐसा लग रहा है इसका आंसर सी होगा, कभी कभी बिलीव में ये बहुत ब्लंडर हो जाता है. मैं ऐसा होते हुए देखता हूँ क्लासरूम में, टेस्ट वगैरह में. इसलिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे प्रिकॉशन लेने के लिए कह रहा हूँ. तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि जब हम एक ये एबिलिटी डेवलप कर लेते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या हमें आता है और क्या हमें नहीं आता एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, वो जो लाइन ड्रॉ करनी है, दैट इज व्हाट आई मीन कि यू शुड लर्न टू से नो. इफ ए क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड एंड यू आर नॉट नोइंग एनी सॉर्ट ऑफ आंसर टू इट, देन अपने आप को कहना, किसी को नहीं कहना, अपने आप को कहना नो कि इसको अभी रहने देते हैं, ये वाला मैंने अभी नहीं किया है, लेट मी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रादर देन जब हम एकदम ब्लाइंडली अंदाजे लगा लगा के, है ना, अंदाजी वर्ड यूज करूंगा मैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो एक उसमें थोड़ा सा परपेचुअल हैबिट सी भी डेवलप हो सकती है, जिससे मान लो अगर आप 45 क्वेश्चंस या 50 क्वेश्चंस का टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें से मान लो 10-12 क्वेश्चन कुछ ऐसे निकल आए जिनके बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता और वो सारे आपने अंदाजे से लगा लिए, और ये चीज़ फिर जिन क्वेश्चंस के बारे में आपको अच्छी तरह से पता है उनको अभी इफेक्ट करती, इससे ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उस पर इफेक्ट होता है नंबर वन, और उस परफॉर्मेंस जो अपने ऊपर इफेक्ट होने वाला है नंबर दो, ये वाला इफेक्ट. और ये दोनों इफेक्ट जो हैं बहुत अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट करते हुए अपनी बेटरमेंट की तरफ लेके जाए जा सकते हैं. तो मैं तो क्लास में हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि यू हैव टू नो व्हाट यू नो एंड व्हाट यू डू नॉट नो ड्यूरिंग द एग्जाम. मान लो 25 या 30 क्वेश्चन हैं,
उसमें से आपको 15 आते हैं, लेकिन आपको पता ही आपको कौन से 15 आते हैं, तो उतने टाइम में जब आप वो 15 क्वेश्चन करके उठेंगे तो यू विल बी ए वेरी स्ट्रांग परफॉर्मर, रादर देन कि आप उस पूरे टाइम को हर एक क्वेश्चन में इन्वॉल्व कर रहे हैं जिसमें से कहीं कहीं तो वो सही डायरेक्शन में जा रहा और कहीं कहीं वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा। तो इससे वो वाला पार्ट भी बहुत स्ट्रांग होता है कि आपकी एक्यूरेसी क्या है, जिसको स्ट्राइक रेट कहा जाता है। प्लस जब आपको क्लियरली पता लगेगा कि कौन सी चीज़ें आपको नहीं आती, तो फिर आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी तक उसको रिवाइज करेंगे, उन अपने वीक पॉइंट्स को सॉर्ट आउट करेंगे और उन पे वर्क करते हुए उसको भी स्ट्रांग कर लेंगे। तो अगर एक बार में 25 में से आपको 8 क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो हो सकता है अगली बार 25 में से आपको 2 ही क्वेश्चन आ रहे हो, लेकिन जब 2 हैं तो पता है कौन से 2 हैं, और जब 8 हैं तो पता है वो कौन से 8 हैं। इस एडवाइस को फॉलो करेंगे तो आपकी जो एनालिटिकल स्ट्राइक रेट है उसमें बहुत इंक्रीज होगा। बिना सोचे समझे अंदाजा नहीं लगाना, अगर पॉसिबल बिल्कुल नहीं है तो ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे आज शेयर करना चाहता था, मुझे बताना इसके बारे में कि अगर आपने इसको ऐसा करना शुरू किया तो देन हाउ इट हैज हेल्प। फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया गैस, तो उसके 4 ऑप्शन के बाद ये थोड़ा सा सॉफ्टर है क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीबॉडी हैज स्टडीड अबाउट द अमोनिया गैस इन द सिलेबस, और काफ़ी सारे इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं बाकी चैप्टर्स में भी जहाँ जहाँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन में आता है तो डील हो जाती है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ फॉस्फीन गैस, तो थोड़ा सा मैं कहूँगा इट इज़ ए मैटर ऑफ प्रिकॉशन कि आपको अमोनिया के बेस पे फॉस्फीन के क्वेश्चन को आंसर करने में ओनली इफ यू आर 100% श्योर ओनली देन यू हैव टू मार्क, अदरवाइज ठीक है यू कैन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये अप्रोच जो है एक बहुत ही सिस्टमेटिक और मैं कहूँगा कि एक्यूरेट अप्रोच है, थोड़ा सा इसको यूज़ करना एंड देन आई बिलीव मी अगर वी आर एबल टू डेवलप दिस अप्रोच ऑफ सेइंग नो टू आवर सेल्स एट द दोज पॉइंट्स ऑफ टाइम वेयर वी आर नॉट सपोज टू ब्लाइंडली गिव रिस्पॉन्स और आंसर टू द क्वेश्चंस, तो ये चीज़ बहुत काम आएगी ना केवल स्टडी में बल्कि डेली लाइफ में आगे भी, कि वी विल बी क्लियर अबाउट वट इट इज एंड वट इट इज नॉट, तो वो कहाँ कहाँ हमें लेके जा सकता है दैट ओनली टाइम विल टेल, बट देर आर वेरी हैप्पी एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दिस थिंग। तो फिर एक स्टूडेंट ने मुझे ये भी कहा कि सर आप वीडियो में कभी कभी कोई उस दिन की अच्छी बात सुनाया करो जो उसी दिन आपके साथ हुआ लेकिन आपको कुछ अच्छा लगा, तो देट विल ऑल्सो रेडिएट सम काइंड ऑफ पॉजिटिव वाइब्स और उससे कनेक्ट होगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो ठीक है आज की वीडियो से स्टार्ट करते हैं। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको सुनाता हूँ जो सुबह हुई। सुबह ऐसे उठने के बाद जो नॉर्मल रूटीन नहाने धोने के बाद ऐसे पूजा पाठ वगैरह कर लिया, तो उसके बाद मैं फ़ोन ऑन करता हूँ और आई एम लुकिंग फॉर द कि जो भी बच्चों के मैसेज व्हाट्सएप पे आए हैं, किसी को कुछ रिप्लाई करना है, किसी का कुछ क्वेश्चन आया, किसी को कुछ और गाइडेंस लेनी है, किसी को असाइनमेंट वगैरह चाहिए, लेकिन उससे जस्ट पहले वो फ़ोन में वो जो भगवान के फोटोग्राफ्स होते हैं थोड़ा उनको देख के ना कि चलो दिन की अच्छी शुरुआत हो, वो भी उसका पार्ट रहता है। तो आज ही सुबह व्हेन आई वाज लुकिंग एट द फोन एकदम से मेरे मन में आया कि आज जैसे बुधवार है तो भगवान गणेश जी की कोई फ़ोटो, तो ऐसे देख रहा था। एक रूटीन में होता ना कि जो चीज़ें आप थोड़ा अगर आप गेम के बारे में सर्च कर रहे हैं तो गेम से रिलेटेड अपडेट्स आते हैं, और अगर आप स्पोर्ट्स का कर रहे हैं जैसे वो कल मैच था तो थोड़ा सा उसका स्कोर देखा तो फिर वो मैच की अपडेट्स आने शुरू हो गए, तो इसी तरह से कुछ रिलीजियस का भी रहता है। तो ऐसे मेरे मन में आया कि काफ़ी दिन हो गए वो जो सिद्धिविनायक मंदिर की गणेश जी की जो इमेज है वो बड़े दिन से ऐसे फ़ोन पे नहीं आई, नहीं तो रेगुलरली ऐसे वो आती रहती है। तो ऐसे जस्ट इट वाज ए पासिंग थॉट। तो उसके बाद मैं फिर व्हाट्सएप मैसेज वगैरह रिप्लाई किए, तो उसके बाद फिर मैंने जब इंस्टाग्राम खोला तो नो यू वॉन्ट बिलीव व्हाट हैपन कि वही जो इमेज के बारे में मैं सोच रहा था इट जस्ट गॉट अपडेटेड ऑन द फोन ऐसे। तो बस बहुत ही अच्छा लगा कि जैसे दो थोड़ी देर के लिए लगा ना कि जैसे किसी ने आपकी सुनी ली हो ना। अब अगर बात फिर फेथ की आती ना, अगर भरोसा है तो है, भरोसा है तो फिर बहुत ज़्यादा भरोसा है। तो ये एक अच्छी बात जो सुबह आज दिन की अच्छी शुरुआत मुझे लगा कि इस तरह से हुई है। तो आप भी बताना, कई बार ऐसी बातें हम डिस्कस करते हैं, कई बार पुराने स्टूडेंट्स आते हैं या पेरेंट्स वगैरह बैठते हैं तो इस तरह के कई इंसिडेंट्स हम डिस्कस करते हैं आपस में, और मेरे ख्याल से जिनके साथ डिस्कस किया गया ऑलरेडी वो अभी सुन भी रहे होंगे इस वीडियो को एंड दे विल बी स्माइलिंग एज आई एम डूइंग। तो आप भी अपनी कोई बात ऐसे शेयर करना जब अचानक से आपके मन में कुछ था और ऐसा हो गया। कई बार ऐसे होता है ना कि आप किसी के बारे में थोड़ा सोच रहे हैं, बड़े दिन से उसको नहीं मिले और वो मार्केट में
आपको मिल जाएगी। कभी ऐसे हुआ तो मुझे बताना, और यहाँ कभी कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड किसी के बारे में आपने सोचा और नेक्स्ट डे वो आपके घर ही आ जाए, होता कि नहीं होता? चलो अगर हुआ तो बताना, मेरे से शेयर करना। चलो आज का वीडियो तो यहीं तक, लेकिन इससे जाने से पहले जो भी एग्जाम गोइंग स्टूडेंट्स हैं, 9th 10th 11th 12th जेई मेंस वाले स्पेशली, जिनका तो एकदम अभी एग्जाम्स स्टार्ट हो ही गया ऑलमोस्ट, तो उनके लिए बहुत बहुत मेरी बेस्ट विशेस। और जो भी आपने पढ़ा है अच्छी तरह से आपके काम आए, और अप्रोप्रिएट टाइम पे, जिसे परफॉर्मेंस टाइम कहते हैं, वो जो अंदर 3 घंटे मिलते हैं अच्छी तरह से परफॉर्म करने के लिए, मे दैट बी द बेस्ट फॉर यू। बस अरे रुको रुको, अभी नहीं जाओ, एक दो मिनट के लिए रुको, एक और छोटी सी बात शेयर करनी है। पिछले वीडियो के बाद मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि सर वो लास्ट टाइम टेरेस पे जो वीडियो था उसमें आपने वो जो ब्लू ग्रे डबल शेड का चश्मा पहना था वो कौन से ब्रांड का था, और वो कुछ ब्रांड्स के नाम भी ले रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, चश्मे जो है एकदम सिंपल होते हैं, या तो मैं यहाँ लोकल मार्केट से बनवा लेता हूँ, ये बहुत अच्छे रहते हैं, और कभी कभी लेंसकार्ट से। लेंसकार्ट आपको पता ही होगा, उसका मैं बड़ा पुराना कस्टमर हूँ, 10-12 साल पहले का, तो कभी कभी यहाँ से ले लिया, कभी कभी वहाँ से ले लिया। वो जो चश्मा है ब्लू ग्रे डबल शेड वाला, वो मैंने लेंसकार्ट से लिया था, और ये जो पहना हुआ ब्लैक बेसिक, ये भी लेंसकार्ट से। चश्मा बेसिक होना चाहिए और उसमें आपको क्लियर नज़र आना चाहिए, और वो सारे दिन के लिए वेयरेबल होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए सारे दिन पहनने के लिए, ठीक है? तो ये चलो उसके क्वेश्चन का भी आंसर हो गया, अब आप जा सकते हैं बस।